राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। अगर किसी युवक किसी युवती स्त्री पुरुष का संभोग वशीकरण करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रचंड रूप से सुधारित प्रयोग दे रहा हूँ। यह प्रयोग करने के बाद से अगला स्वयं आपके पास आएगा, स्वयं आपसे कहेगा प्रेम करने को। बहुत ही सरलतम प्रयोग है, असरदारी प्रयोग है, और इस प्रयोग में मात्र लहसुन की आवश्यकता है। लहसुन की 5 कलियाँ आपको लेना है, 5 जो लहसुन हो उसको ले लीजिएगा और एक गेंदे का फूल मिला लीजिएगा। मात्र इतना करने के बाद मैं जिस प्रक्रिया को इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ उसके अनुसार आप इसे करके देखिएगा, आपकी समस्त इच्छाओं को अगला पूरा कर देगा आपके बस में होकर के। छोटा सा प्रयोग है, आजमाना है, मगर पूरा वीडियो अंत तक देखना है, 21 स्टेप को आपको बारीकी सुनना है और समझना है। वशीकरण का प्रयोग आप जब भी करें तो आपके मन में एकाग्रता का भाव, समर्पण का भाव हो और किसी के प्रति वैमनस्यता का भाव हो तो वह निकाल दीजिएगा। और जब भी आप वशीकरण का प्रयोग करने जाएं तो अपने मन में चल रहे विरोधाभास पर कंट्रोल करिए। अगर आपके मन में कोई निराशा की ग्रंथि है, कोई टेंशन, कोई तनाव है और उस समय वशीकरण का प्रयोग करेंगे तो वशीकरण का प्रयोग कर तो लेंगे या असरदारी भी होगा, मगर जिस लेवल का होना चाहिए वह आपको लाभ नहीं मिलेगा। आधे अधूरे मन से आप कोई प्रयोग करते हैं तो सफलता में संदिग्धता रह जाती है। अतः कोई प्रयोग करें तो भली भात मूड बना लें कि मुझे करना है। मूड बनाने का मतलब क्या, अंदर से एक स्माइल, एक जोश, एक उत्साह, एक जुनून होना चाहिए। आप यह माने कि आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी पावर है, इतनी कैपेसिटी है कि किसी को भी पलक झपकते ही अपने बस में कर लेंगे या बस में कर लेंगे। आप भिखारी नहीं हैं कि भिक्षा मांग रहे हैं, आप एक शेर हैं, आप एक शिकारी हैं। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, आप ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक हैं, आप में ईश्वर का वास होता है। जरा सोचिए, एक बंदर को देखते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं, सर नवाते हैं कि हनुमान जी का रूप है। एक हाथी को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, गणेश जी का उसमें वास है। क्यों? उनका सूंड गणेश जी से मैच करता है। ऐसी तमाम जीव जंतु है, पीपल का वृक्ष है, हम प्रणाम करते हैं क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का वास है। और इन सब चीजों में ईश्वर का वास इसलिए है, ईश्वर इस रूप में कभी न कभी अवतरित हुए थे। ऐसे तमाम प्रमाण हमारे ग्रंथों में है या सभी ग्रंथों में मिलते हो कि मैं सभी धर्म की यहां चर्चा नहीं करने वाला हूं। वैसे धर्म तो सिर्फ एक ही है, बाकी तो सब पंथ है। तो हमारे धर्म में जो चीजें बताई गई हैं, हम एक पत्थर को भी हम पूजते हैं उस भाव से। हमारे अंदर भाव क्या होता है, पत्थर नहीं दिखाई देता है, उसमें ईश्वर की छवि होती है। तो सभी ईश्वर तो मानव रूप में अवतरित हुए हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, या जो भी देवता आप देख रहे हैं वह कैसे दिखने में लगते हैं, मानव के जैसे। तो क्या आप ईश्वर के अंश नहीं है? बिल्कुल हैं। और जब ईश्वर के अंश आप में है तो आपके अंदर उसकी पावर, उसकी क्षमता भी है। अतः अपने पावर को, अपने क्षमता को जगाइए, मन में उदासी का भाव हटाइए और अपने मन को ईश्वरीय सत्ता में लगाइए। मात्र आपके अंदर जिस दिन यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वशीकरण क्या, दुनिया की कोई भी चीज आप क्षण भर में, पल भर में कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जब हम परेशान होते हैं, व्यथित होते हैं, हमारा कोई दिल तोड़ देता है तो हमारे अंदर एक कराह सी उत्पन्न हो जाती है, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, कहीं मन ही नहीं लगता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि खाने का मन नहीं करेगा, सोने का मन नहीं करेगा और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है और निराशा की ग्रंथि ऐसी उत्पन्न हो जाती है
कि हम एकाग्रता क्या, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब आपके अंदर ये सिचुएशन हो जाएगी और आप कोई तंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका उत्तर हाँ है तो बिल्कुल गलत है। कोई भी प्रयोग एकाग्रता भाव से आप करिए। आप कोई प्रश्न याद कर रहे हैं और आपके मन में एकाग्रता नहीं है तो जल्दी याद नहीं होता है। कोई भी काम मन लगा के नहीं करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आपके अंदर सच्चाई है, अच्छाई है और किसी को चीट करने की नीयत से आप कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपका इसमें सहयोग करूंगा। आपके लिए मैं अनुष्ठान करूंगा, आपके लिए यंत्र सिद्ध करके आपके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाएगा। लेकिन आधे अधूरे भाव से आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें सफलता 9 के बराबर मिलेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपने एनर्जी को भली भांति रीड कर लें और अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके ही कोई प्रयोग करें, तब सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, तमाम बहनों का, भाइयों का, माताओं का प्रश्न होता है कि हमारे पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं, हम क्या करें। आपको एक गुरु की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। गुरु की तलाश करिए और उनसे आदेश लेके ही कोई काम करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हाँ, यदि आपने गुरु की तलाश किया और आपको गुरुदेव नहीं मिल रहे हैं तो भी आपको निराश नहीं होना है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करिए, प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स से नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और जो रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और मैं अपने भाइयों से, बहनों से, माताओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि कृपया हमसे संपर्क करने के लिए फोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप फोन कॉल करते हैं तो फोन उठने की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जिसको मैंने समय दिया है उससे मैं स्वयं ही कॉल कर लूँगा। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा व्यस्त होता है, हर समय किसी का फोन रिसीव नहीं कर सकता हूँ। आशा आप लोग समझ चुके होंगे, अतः आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। करना क्या है, आपने लहसुन की 5 कलियां आपने लिया, फिर गेंदे का फूल लेना है। यह आपने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद यह प्रयोग आपको शनिवार को शाम को 5 बजे करना है। इनको ले जाके पीपल के पेड़ के पास इसको रखा है और उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है। इतना करने के बाद आपको वहाँ से बाहर निकल आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपने घर आ जाइए। मात्र इतना करने के बाद देखिएगा, अगला जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, वह दौड़ा दौड़ा चला आएगा। दूर होगा तो मैसेज करेगा, कॉल करेगा। किसी ने आपके नंबर को ब्लॉक किया है तो खोल देगा। कम्युनिकेशन रूप जो गैपिंग हो रही है वो सब ठीक हो जाएगी और आपकी समस्त इच्छाओं को अगला पूरा करेगा या पूरा करेगी। छोटा सा प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।